क्या हाल भाई? गुड मॉर्निंग है? आ गया बहुत जल्दी आ गया भाई, आ गया। सुबह शाम को है ना बहुत चैलेंज कर रहे थे। अच्छा, तुम उठ नहीं पाओगे। अच्छा, तो जब भी रात को 2 बजे घूम कर भी आएगा, दूध वूध सब कुछ पी लिया हमने। दूध पिया? अरे दूध केसर वाला दूध पिया वो पिया, चाय भी पी और घूम फिर के आ गए। ठीक है, ये बंदर जो है ना रात को सोया था, हमें सोने नहीं दे रहा 2 दिन से। ये सो गया लेकिन भैंस की ये भी लेट हुआ। ऐसे क्या किया भाई? माफी चाहता हूँ। ये लोग आपको पका रहे हैं, आप नजारा देखो यहाँ पे। अभी हम सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं चढ़ाई के लिए। तो अभी फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। पराठे वराठे ऑर्डर करें? क्या पराठे ऑर्डर करें। पराठे चाय हम खाएंगे पियेंगे, एकदम रिचार्ज हो जाएंगे और फिर हम करेंगे चढ़ाई। इसी पर चढ़ाई भी बोल सकते हैं, यात्रा बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई। हाइकिंग बोल सकते हैं, ट्रैकिंग बोल सकते हैं, अपने अपनी श्रद्धा होती है। वो तो फिलहाल ठीक है ना? ऊपर तू ऊपर जाकर नहाएगा? हाँ नहाएंगे भाई, नहाएंगे पक्का नहाएगा ऊपर। अभी ये बात बोले नहाते हुए दिखाओ, लेकिन सामान तो शुभम जाम वाला आपने रखा नहीं। मेरे अच्छा दिखाऊं क्या पब्लिक को? रखा नहीं तो खा लिया जा रहा है। बैग इसके बैग में है ना भाई? वेल नो कमेंट्स ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इसने सिर्फ अपना वो रखा है। क्या रखा? क्या है ये? कच्चा बंडी? ऐसा कौन सा कच्चा बनियान होता है? पागल हो गया? पागल ही है ऐसा कौन? ऐसा कच्चा बनियान होता है? आया है वो, आया देख हेलीकॉप्टर। मैंने तुम बाखला आ गए हो भाई। तो अभी मैं ऑर्गेनाइजर हूँ लेकिन मेरा यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, सब इसी की चल रही है क्योंकि यही है महाराजा। हमारे साथ एक कानपुर का बिहारी भी है, वो आज माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आया पहली बार और नहीं चौथी बार। अरे वो तो कुछ और था। देखो मैं ऑर्गेनाइजर है तो मैं इसका असिस्टेंट मैनेजर हूँ, सारा हिसाब किताब मेरे पास है। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सभी से। यात्रा पर्ची का यहाँ पे है एक काउंटर टाइप है और यहाँ पे अभी हम आए हैं, अपनी सारी पर्ची दिखा के फिर एंट्री होगी अंदर की। सो यात्रा पर्ची हाय गाइस, अपनी पूरी टीम आ चुकी है, पूरी टीम आ चुकी है, सुपरवाइजर सामने खड़ा है आपके सामने। आसान नहीं था, थकान हुई है पर इतनी भी ज़्यादा नहीं। तो हमने इस बार आज जब हम आए थे चढ़ाई के लिए, तो आज हमने
जो है नया एक और सरकार ने ओपन किया है, खोला है यात्रियों के लिए, वो हमने ट्राई किया। सो उसके कुछ फ़ायदे भी थे और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है, पुराने रास्ते की तरह उसमें कोई गोबर की स्मेल कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है। हाँ, लेकिन जो आपको एक डिसएडवांटेज ये मिलेगी, आपका मन नहीं लगेगा, आप थक बहुत जल्दी जाओगे क्योंकि चढ़ाई चढ़ाई है लोग अभी भी, और हाँ पुराना वाला रास्ता, लोग पुराने वाला रास्ता ही, भीड़ भाड़ वहीं है। हाँ, तो जो नया वाला रास्ता उसमें भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको मन लगेगा ही नहीं वहाँ पे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ से आने में। बट वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। तो रास्ते दोनों अच्छे हैं, ये भी और वो भी, बट यहाँ पर जो है पुराने रास्ते में मतलब चढ़ाई भी है, ढलान भी है और सीधा रास्ता भी है, लेकिन वहाँ पर चढ़ाई ही चढ़ाई है, तो आप ज़्यादा जल्दी थकोगे उस पर नए वाले रास्ते पर। तो वो तो आपके मन के ऊपर है आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पुराने रास्ते में आओ, तो मन लगा रहेगा, शॉप्स होंगी, आप खा भी सकते हो, रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, रास्तों में आप रुक सकते हो, टिट्टू कर सकते हो। नए वाले रास्ते में सुनसान है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हिंदी के लोग आ रहे होंगे, हिंदी के आते हैं। सब लोग स्नान करेंगे। अरे भाई रेडी हो गया स्नान के लिए। यार अभी थक हार के हमने खाना खा लिया है और खाना खा के अभी बहुत सही फील हो रहा है, गान हट गई है, क्योंकि क्या है ना, हमने किया था आई थिंक लंच किया था हमने, भाई कहीं भी लंच किया था ना हमने, क्या ब्रेकफास्ट नहीं, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, सुबह हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था 11 बजे के करीब, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। और हमने चढ़ाई करी है, किलोमीटर में चढ़ाई करी है, यानी कि थोड़ी बहुत चले और आ गए, फिर वैष्णो देवी की आपको पता ही है कितनी चढ़ाई होती है, तो हमने किलोमीटर की चढ़ाई करी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद हम जो है दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में बैठे रहे, नहीं हाँ 2 घंटे लाइन में बैठे रहे हम, लाइन में खड़े रहे थे लाइन में। उसके बाद फिर दर्शन हुए, दर्शन में भी एक डेढ़ घंटा लग गया था, एंड देन अभी हम फ्री हुए हैं, तो हमने फटाफट डिनर किया है और हम निकल चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर के लिए ऊपर फिर से चढ़ाई करने। चढ़ाई करने के बाद फिर हम उतराई करेंगे और चलेंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि कल निकलना हमें पटनी टॉप, क्योंकि वहाँ पड़ी है बर्फ और असली मज़ा वहीं है। और बाकी फ़िलहाल अभी भी बहुत भीड़ है, एक तरह से मार्केट है यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह, सागर रत्ना ढाबा ये सब है यहाँ पे, भोजनालय है, यहाँ पे भीड़ रहती रहती है। बाकी अभी चढ़ाई करनी है हमें,
तो चढ़ाई करते हैं और भैरव बाबा जाने के लिए यही एक पहुँचना, जब वहाँ से आप एग्जिट करोगे ना वहाँ से, तो ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये मार्केट होगी, यहाँ सागर रत्न है, हमने यहाँ पे डिनर किया एंड अब हम चढ़ाई के लिए रेडी हैं। गाइस ऐसे व्यू देखो, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और अभी हम निकल रहे हैं उतराई के लिए। थकान बहुत होगी और उतराई पता नहीं कितने घंटों में होने वाली है, तो सभी ने दर्शन कर लिए और निकलते हैं अब उतराई के लिए।